सिकरीगंज थाने की पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर जनपदीय एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय कुमार दुबे उर्फ छोटू बिहारी दुबे पुत्र अरविंद दुबे निवासी रघुआ डी मालहनपार थाना बास गांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक एटीएम, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अंतर जनपदीय अपराधी है, जो कि अपने साथियों के साथ अन्य जनपदों बस्ती संत कबीर नगर कुशीनगर गोरखपुर में देहात के क्षेत्रों को चिन्हित कर साथ मिलकर अशिक्षित वृद्ध व असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर एटीएम मशीन से पैसे निकालने के दौरान लाइन में उनके आसपास खड़ा होकर धोखे से उनका पिन देखते हैं तथा उनकी मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल देते हैं, उसके बाद एटीएम से पैसा निकालने का काम करते हैं, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक सिंह, उप निरीक्षक चंदन सिंह, अशोक दीक्षित, कांस्टेबल आनंद यादव, दिनेश शाह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, सिकरीगंज में एक मुकदमा लिखा था एटीएम बदल करके धोखाधड़ी से पैसे निकालने का। उसी विवेचना में आज एक अभियुक्त अजय उर्फ छोटू दुबे, इसकी गिरफ्तारी सिकरीगंज पुलिस ने किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रघुआडी थाना बासगांव का रहने वाला है और ये लोग एटीएम पर खड़े रहते हैं। इनका पूरा एक गैंग है। जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे या बिल्कुल सीधे साधे जैसे दिखते हैं, उनका पीछे से ये पिन जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद ज़रा सा भी आदमी अगर इन्हें लगा कि थोड़ा सा लेजी है तो उसकी मदद करने के बहाने फिर उसका एटीएम कार्ड भी ले लेते हैं। पिन की जानकारी कर लिया, एटीएम कार्ड ले लिया, अब उससे फिर ये उसके अकाउंट से पैसे ड्रा कर लेते हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध गोरखपुर सहित आसपास के जनपदों में 24 मुकदमे इससे पहले पंजीकृत हो चुके हैं। ये शातिर गैंग है, इनके पास फोर व्हीलर गाड़ियां भी हैं। इनके 3 अन्य साथी ये मौके से फरार होने में सफल हुए हैं। एक अर्टिका गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी से निकल गए और इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। छानबीन में पूरे गैंग का फिर से पर्दाफाश हुआ है और ये आदती अपराधी लगातार वर्षों से अपराध कर रहे हैं। इनके विरुद्ध आगे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी और इतना लंबा आपराधिक इतिहास है तो अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट में भी इनकी संपत्ति अटैच कराने की कार्यवाही की जाएगी।